राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सबका मेरी आज की नई वीडियो पर। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की स्वरूप माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कूष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी भी कहा जाता है और माँ कूष्मांडा को पूरे ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है। कूष्मांडा जो शब्द है वह तीन शब्दों से मिलकर बना है, कु प्लस उष्मा प्लस अंडा। कु का अर्थ होता है छोटा, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ होता है अंडा। यानी माँ कूष्मांडा पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है यह माना जाता है। माँ कूष्मांडा की कहानी तब शुरू होती है जब पूरा ब्रह्मांड खाली था, जीवन का कोई निशान नहीं था, हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। फिर अचानक से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और धीरे धीरे चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है। शुरू में यह दिव्य ज्योति निराकार थी, इसका कोई आकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस ज्योति ने एक आकार लेना शुरू किया और अंततः यह आकार एक महिला के रूप में प्रकट हुआ और यह महिला ब्रह्मांड की पहली सत्ता माँ कूष्मांडा थी। माँ कूष्मांडा ने तीन दिव्य देवियों की रचना की जो ब्रह्मांड की पहली प्राणी थी। जो तीन देवियां थी वही ब्रह्मांड की पहली प्राणी मानी जाती। माँ कूष्मांडा ने अपने माथे पर केंद्रीय आंख का प्रयोग कर एक भयावह रूप बनाया, बहुत भयंकर रूप था। वह रूप था महालक्ष्मी और दूसरा रूप बाई आंख से बनाया जो था महाकाली। अंततः उन्होंने अपनी दाई आंख का प्रयोग कर महासरस्वती का रूप बनाया। बाद में महाकाली के शरीर से एक पुरुष और एक महिला का जन्म हुआ, वह थे शिव और सरस्वती। और महालक्ष्मी के शरीर से जन्म हुआ ब्रह्मा और लक्ष्मी का। और महासरस्वती से भी एक पुरुष और एक महिला का जन्म हुआ, पुरुष थे विष्णु और महिला का नाम रखा गया शक्ति। और अंत में माँ कूष्मांडा ने लक्ष्मी को विष्णु को, सरस्वती को ब्रह्मा को और शक्ति को शिव को सहचर कर दिया, मतलब उनको दे दिए। और अंततः माँ कूष्मांडा ने तीनों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति, इन सबको अपने भीतर समाहित कर लिया और दिव्य शक्तिशाली और अंततः ऊर्जा के रूप में शक्ति में प्रवेश कर लिया। तो यह है कूष्मांडा की कहानी, जिनको ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है और यह मुस्कुराती हुई देवी भी कहा जाता है। आप लोगों को अगर माँ कूष्मांडा की कहानी के बारे में और कुछ पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे ये वाली कहानी पता थी तो मैंने आप लोगों के बीच पहुँचाई। अगर आप लोगों को कुछ और पता है कि माँ कूष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताना। और यह भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आपको यहाँ की नवरात्रियाँ कैसी लग रही है। अभी धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेंगे नवरात्रियाँ और अच्छी होंगी, नए लोग जुड़ेंगे, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये था आज का हमारा माँ कूष्मांडा, जो नवरात्रि का चौथा दिन है यह उसकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन, और आज के दिन जो जो होगा, जिन जिन लोगों से मिलना होगा, आप लोगों के बीच जरूर पहुंचाया जाएगा। तो आप बने रहना, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो आज हमारे घर पर आए हैं ताई जी लोग, ये देखो ये सबसे बड़ी ताई जी है। आप पीछे से इतना चमक रहे हो ना, लाइट से पूरे उजाला आ रहा है ना। और यहाँ भी सब ताई जी है ना मेरी, हाँ ये चाची हैं, एक चाची और बाकी सब ताई जी आई हैं। तो मैंने ताई जी से गुजारिश करी है कि वो भजन गाए, तो अब देखते हैं कि वो मेरा मन रखती है या नहीं रखती है। चलो ताई जी दो लाइन। मैं फिर जम गई। मंदिर है मंदिर कहाँ, मैया मंदिर है मेरा कहाँ, चंद भजन मिग लोचनी मिग लोचनी, मैया मंदिर है मेरा कहाँ, मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया के मंदिर में गंगा बहते है।
मैया के मंदिर में गंगा बहत है, कल 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा कहाँ, कल 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा कहाँ, चरण बदन बिगोचनी मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया के मंदिर में दीप जल रहे हैं, मैया के मंदिर में दीप जल रहे हैं, जगमग जगमग हो रही मैया मंदिर है तेरा कहाँ, जगमग जगमग हो रही मैया मंदिर है तेरा वहाँ, चंद्र बदन मिग लोचनी मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया के मंदिर में घंटा बजत है, मैया के मंदिर में टन 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा वहाँ, टन 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया मंदिर है तेरा वहाँ, मैया के मंदिर में झंडा बरत है, मैया के मंदिर में झंडा बहुत है, पर 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा कहाँ, पर 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 हो रही मैया मंदिर है तेरा वहाँ, चरण बदन मिग लोचनी मैया मंदिर है तेरा कहाँ, मैया मंदिर है तेरा कहाँ। वाह गाइस, यहाँ ताई जी ने बिल्कुल महफिल जमा दी है, ऐसा लग रहा था अभी मंदिर में ही भजन गा रहे हैं ना। जैसा ताई जी शाम तक तो चली जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ताई जी को यहीं पकड़ ले आज, है ना। नवरात्रि का चौथा दिन और ये है मंदिर का प्रसाद, और सब लोग बैठे हैं यहाँ खाना खाने के लिए। ये देखो सब लोग रोज की तरह यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, और ये ऐसी शख्स है जो घर से मिर्च लेके आती है मंदिर पे, मिले या ना मिले। प्रिया प्रिया खा ले, और सोनू बा मिर्च भी आप अपनी जैसी लाए हो। प्रिया खा ले खा ले, प्रिया बताने कहाँ देख रही है। और ये हमारी प्लेट, मेरी प्लेट, अब हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी यहाँ चल रही है आरती और हम पहुँच गए मंदिर में। वाह अपनी भले को तो मेरे
जाएगी।
जाएगी प्यारी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी कमरिया पे मन मोरा अटका हो गया तो तेरे हाथ
राधा रानी
ऐसे गाना। माता रानी क्या लोगे, बरसाने वाली क्या लोगे, ओ राधा रानी क्या लोगे, बरसाने वाली क्या लोगे। बोलो मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगे, मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगे। तो गाइस बहुत सुंदर भजनों के साथ और डांस की धूम के साथ आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। और आज था नवरात्रि का चौथा दिन, जो हमने बहुत अच्छे से माँ कूष्मांडा की उपासना की और आराधना की, जो आपने डांस में देख लिया होगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।